विष्णुगढ़ वीपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बुधवार को महिला मोर्चा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी और प्रखंड के सभी पंचायतों से महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अंजू देवी और मंच संचालन उपाध्यक्ष सीमा देवी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को टीका, माला, बुके तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मांडव विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की धर्मपत्नी ललिता पटेल और कार्यक्रम प्रभारी रीना वर्मन उपस्थित थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। देश में महिलाओं की आबादी आधी है, परंतु कार्यक्रम में उपस्थित कम रहती है, इसलिए महिलाओं को जागरूक करना आवश्यक है। कार्यक्रम प्रभारी ने कहा कि महिला जन्म से ही सेवा की भावना रखती है, वह पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव का जन कल्याण किया है। महिलाएं करुणामयी होती हैं। आज कोरोना का टीका भी महिलाओं के द्वारा ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक महिलाएं भारत की उपलब्धियों में कई योगदान दिए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार मंडल ने कहा कि झारखंड में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हर दिन महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, सरकार मौन है, झारखंड में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। विष्णुगढ़ से अमूल्य चंद पांडे की एवं अजित मिश्रा की रिपोर्ट।